हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपके सामने लेके आया हूँ एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस को आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर 2018 में 2017 में पूछा गया है, कैंडिडेट्स से पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपसे क्या करूंगा, क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, पांच मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और पांच रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कैसे पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको बताऊंगा भी बोर्ड पे भी। ठीक है, तो पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो फ्रेंड्स देखिए, डी एच पी क्यू पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का फ्रेंड्स। ठीक है, जेड डी एल एम एस डब्ल्यू आई वाई, अब पूछ रहा है यहां पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है, यहां माइनस फोर कर रहा है, क्या कर रहा है, माइनस फोर कर रहा है। जब डी में माइनस फोर करेंगे तो जेड आएगा, एच में माइनस फोर करेंगे तो डी आएगा, पी में माइनस फोर करेंगे तो एल आएगा, इस तरह क्यू में माइनस फोर करेंगे तो क्या आएगा, एम आएगा, इस तरह हम इसमें भी करेंगे, एस में माइनस फोर करेंगे तो क्या आएगा आपका, ओ आएगा। ठीक है, W में माइनस फोर करेंगे तो सोचिए क्या आएगा, कैलकुलेट कीजिए, S आएगा। ठीक है, O S आया, फिर I में माइनस फोर करेंगे तो आपका आ जाएगा, I में माइनस फोर करेंगे तो आपका E आ जाएगा फ्रेंड्स, और Y में इसी तरह माइनस फोर करेंगे तो क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। तो क्या हो गया, O S U E U हो गया, किसका, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, O S E U। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना था इसमें, माइनस माइनस फोर का, माइनस फोर का क्या था, सीरीज था एक तरह से, इसमें भी आपको माइनस फोर करके घटा के आपको आंसर निकालना था। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जैसे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, 14 दिया हुआ है, 194 है इस टू 16 है, अब यहां पूछ रहा आपको क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या क्या लगता है इसको देखने से, अगर 14 का हम स्क्वायर करते हैं तो 14 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, 196 होता है, लेकिन यह है क्या, 194 है, मतलब इसमें क्या कर रहा है, माइनस टू कर रहा है, तो कितना आ गया, 194 आ गया फ्रेंड्स। इसी तरह हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा, 256 में माइनस टू करेंगे कितना आ गया, 254 आ गया। तो क्या आंसर हो गया फ्रेंड्स, 254 आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर वन सही होगा, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड्स। तीसरे नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। देखिए फ्रेंड्स, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन तीनों चारों अल्टरनेटिव में से अलग है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है तीसरे नंबर क्वेश्चन का, पहला ऑप्शन क्या है, 1 2 3 3 2 1, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, मैं लिख भी दे रहा हूं जिससे आपको आसान हो, 456, 456 और यहां क्या है देखिए, 654। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है 789 एंड 978 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 678 और 876। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें बना कैसे है, कैसे बनेगा, देखिए यहां 1 2 3 है, ठीक है, फिर देखिए पीछे से लिख रहा है 3 2 1 लिख दिया, 3 2 1। ठीक है, इस तरह 4 5 6 है, अब देखिए पीछे से लिख दिया 654, मतलब ये दोनों सिमिलर है। अब देखिए यहाँ पे 789 है, तो अब क्या होना चाहिए, 987 होना चाहिए, 987 नहीं है तो ये गलत हो गया। तो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कैसे, अब इसको मिला लीजिए, 678 है, देखिए अब उल्टा होना चाहिए 876, देखिए 876 ये सही है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी सीपीओ में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर फ्रेंड्स, चौथे नंबर क्वेश्चन आपको डील करते हैं, मैं आज आपको पांच क्वेश्चन रीजनिंग का बताऊंगा, फिर पांच मैथ्स के भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या है, आपके हाइट से रिलेटेड है, टॉलर और शॉर्टर से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ए इज टॉलर देन बी, आपको क्या करना है, हर एक लाइन को पढ़ते हुए आपको लिखते जाना है। ठीक है, अब हिंदी में भी मैं आपको बता सकता हूं, पहले एक बार क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, ए इज टॉलर देन बी, सी इज टॉलर देन डी बट शॉर्टर देन ई, B is shorter than D and D is taller than A. Who is the tallest? मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे tallest कौन है? मैं एक बार हिंदी में पढ़ देता हूं, A B से लंबा है, देखिए बनाइए,
ए क्या है, बी से लंबा है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर साइन होता है, आपको पता होगा। अब देखिए बोल रहा है सी इज टॉलर देन डी, सी क्या है, सी भी टॉलर है किससे, डी से टॉलर है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है, सी जो है डी से क्या है लंबा है परंतु क्या है ई से छोटा है, मतलब सी क्या है ई से छोटा है। यहां फ्रेंड्स को दिक्कत है, क्या कह रहा है, पहले तो कहा ए बी से क्या है लंबा है, ए बी से लंबा है, अब देखिए दूसरा लाइन में क्या कह रहा है, सी क्या है डी से लंबा है परंतु क्या है परंतु ई से छोटा है, तो परंतु किसके लिए आ रहा है, परंतु सी के लिए आ रहा है, तो सी किससे छोटा है, ई से छोटा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या बोल रहा है, shorter than E, B shorter than D, अब कह रहा है B क्या है D से छोटा है, अगर B D से छोटा है तो कहां आएगा, यहां पे आ जाएगा, मतलब B क्या है D से छोटा हो गया, ठीक है। अब देखिए बात आया क्या, and D is taller than A, अब क्या है D जो है ना A से क्या है taller है, अभी confusion था ना कि A आपका इधर आएगा कि इधर आएगा, लेकिन यहां आप क्लियर कर दिया, क्या कह दिया, D is taller than A, D क्या है A से लंबा है, मतलब यहां देखिए ऐसे बन गया आपका पैटर्न बन गया। अब इसमें बताइए टॉलेस्ट कौन है सबसे ज्यादा, अब अगर आपसे टॉलेस्ट पूछता है तो ई सबसे टॉलेस्ट है, अगर सबसे शॉर्टेस्ट पूछता है तो बी सबसे शॉर्टेस्ट है, लेकिन यहां पूछ क्या रहा है आपसे हु इज द टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट कौन हो गया आपका, ई सबसे टॉलेस्ट हो गया, तो चार का आंसर क्या हो जाएगा, वन आंसर आपका हो जाएगा राइट, तो क्या हो गया वन आंसर राइट हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको मैं समझा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए अब क्वेश्चन फाइव पे चलते हैं, पूछ रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑफ क्या दिया हुआ है इसका, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है आपको। अब ऑप्शन को आप देखिए क्या क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है लायर, L I A R, लायर, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, मतलब इसमें से नहीं बनाया जा सकता, पहला ऑप्शन लायर है, आप ऑप्शन को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज दैट इज फिएट, फिएट है, ओके, द सेकेंड ऑप्शन इज फिएट है, ओके फ्रेंड्स। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन लायन, L I O N, लायन, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फिक्सन, फिक्सन। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे अक्षर हैं जो कि दिए गए अक्षर से नहीं बन सकते, नॉट, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा अक्षर है जो कि दिए गए अक्षरों में से बन सकता है, फॉर्म हो सकता है, तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कौन सा अक्षर नहीं बन सकता, एल आई ए आर, देखिए लायर है, एल आई ए, देखिए पहला आंसर मिल गया आपको, लायर ही आंसर आपका हो जाएगा, ये नहीं बन सकता, अब आगे देखने का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि पहले ऑप्शन में आपको मिल गया आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लायर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका पांचवें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड। आगे मैं और भी आपके रीजनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, अब मैं मैथ टॉपिक पे आता हूं, पांच क्वेश्चन मैथ के भी डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को देखिए कैसे बना रहा हूं मैं, और आप इस क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ के आप अपनी भी तैयारी कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे सीपीओ में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 50 क्वेश्चन मैथ का भी पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए आज 5 क्वेश्चन लेके आया हूं, आगे कोशिश करूंगा कि आपके लिए 5 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन को डिस्कस कर सकूं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि है छठा नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो है औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोल रहा है द एवरेज ऑफ 19 रिजल्ट इज 111, क्या पूछ रहा है, द एवरेज ऑफ 19 रिजल्ट इज 111 इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 रिजल्ट इज 82 एंड दैट ऑफ द लास्ट 10 रिजल्ट इज 129, देन व्हाट विल बी द 10th रिजल्ट, पूछ रहा है 19 परिणामों की औसत 111 है, मींस 111 है, यदि प्रथम 10 परिणामों की औसत 82 है तथा अंतिम 10 परिणामों की औसत 129 है तो 10 वह परिणाम क्या होगा। तो फ्रेंड्स एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले देखिए द एवरेज ऑफ 19 रिजल्ट इज 111, क्या कीजिए 19 रिजल्ट इनटू 111 कर दीजिए कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2109। मैंने आपको ट्रिक भी बताया है कैसे फास्टली मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है ना, तो आप मल्टीप्लाई उसी के हिसाब उसी से कीजिएगा, ठीक है ना, कि जल्दी आपका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। चलिए तो 21019 आ गया। अब देखिए फर्स्ट 10 रिजल्ट का औसत दिया हुआ है, फर्स्ट 10 रिजल्ट का औसत दिया हुआ है, तो क्या करते हैं औसत का फॉर्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स में एवरेज को क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जब भी हमको औसत निकालना रहता है एवरेज तो क्या करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स में, सॉरी आपको सम जब भी निकालना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल द नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे एवरेज को
इंटू नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे, क्या करेंगे, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फर्स्ट 10 रिजल्ट का औसत आपको 82 दिया हुआ है, तो आपको सम चाहिए, तो 82 इंटू क्या करेंगे 10 कर देंगे, कितना आ गया 820 आ गया फ्रेंड्स. ठीक है, इसी तरह आपका लास्ट 10 रिजल्ट्स बोला है कितना है, लास्ट 10 रिजल्ट्स आपका बोल रहा है 820 फ्रेंड्स, यहां पे लास्ट 10 रिजल्ट्स आपका बोल रहा है 129 है, तो लास्ट 10 इंटू क्या करेंगे 10 कर देंगे, 129 10 1290 हो गया. अब ये दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे 820 इंटू 1290 फ्रेंड्स, तो ये आपका आ जाएगा 2110 आ जाएगा. ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है टेंथ डिजिट जो आएगा, टेंथ का रिजल्ट कितना आएगा, तो टेंथ रिजल्ट, टेंथ का नंबर क्या हो जाएगा, टेंथ रिजल्ट आएगा जो, इसको तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, मीन्स 2110 से 2109 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 1 आ गया. फ्रेंड्स कहीं दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इससे भी आसान तरीका आपको बताऊंगा. ठीक है फ्रेंड्स, चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि अब सातवां नंबर क्वेश्चन है, मैथ्स की, मैथ्स का सातवां नंबर क्वेश्चन. तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, सातवां नंबर क्वेश्चन है. देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन लिया गया है. अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 80 मीटर अवे From the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. What is the height of the tower? पूछ रहा है एक मीनार के बेस से 80 मीटर दूर किसी बिंदु के शीर्ष से उन्नयन कोण 60 डिग्री की है, तो मीनार की ऊंचाई पूछता है फ्रेंड्स. देखिए सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस अगर आपको बनाना हो तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, कोई डायग्राम को बना लीजिए. अगर डायग्राम को आप बना लेना तो 50% आप सॉल्यूशन तो वहीं कर लिए. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, क्या बोल रहा है, ये मान लीजिए कोई टावर है, क्या है टावर है, उसे नहीं बनाते फ्रेंड्स, यहां बनाते हैं, वहां पे स्क्रीन है, ये क्या है एक टावर है. ठीक है, अब बोल रहा है 80 मीटर के डिस्टेंस पे, मींस 80 मीटर हम डिस्टेंस चले गए. ठीक है, अब यहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है, एंगल ऑफ इलिवेशन जो बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहा है आपसे कि टावर का हाइट क्या है, इसका ऊंचाई क्या है, मींस ए भी आपको निकालना है. ठीक है, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, टैन 60 का फॉर्मूला लगा सकते हैं. टैन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है. क्या होता है, आप पढ़े होंगे टैन का फॉर्मूला होता है टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है. ठीक है, अब परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ए बी आपका परपेंडिकुलर हो गया और बीसी क्या हो गया, बेस हो गया. तो टैन 60 का आप पढ़े होंगे इसका वैल्यू होता है √3 होता है. ठीक है, परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है, ए बी लिख दीजिए जो कि हाइट ऑफ द टावर भी हो गया और डी क्या हो गया 80 मीटर हो गया. तो मतलब हाइट ऑफ द टावर आपका क्या आ गया, 80 √3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया, मींस ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, करेक्ट है. चलिए चलते हैं अब आठवें नंबर क्वेश्चन पे. फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि एसएससी का सीपीओ का जो एग्जाम 12 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है, 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. इसलिए आप मेरे से जुड़े रहिए कि आगे मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा डील करके आपको बता सकूं कैसे बनते हैं. चले चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन पे फ्रेंड्स. इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 20% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. बोल रहा है अगर साइड ऑफ द क्यूब को अगर 20% बढ़ा दिया जाए, then what will be the percentage increase in the volume of the cube. Friends, एक formula था friends, जिसमें a plus b plus a into b by 100 का formula था. ठीक है friends, अगर कहीं पे increase होता है तो हम लोग क्या करते हैं, increase percent निकालने के लिए ये formula का इस्तेमाल करते हैं. increase percent निकालते हैं हम लोग a plus b plus a into b by 100. लेकिन यहां पे क्या है, वॉल्यूम है. वॉल्यूम में क्या होता है, l भी होता है, b भी होता है, h भी होता है, मतलब तीनों साइड में आपका बढ़ा है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन क्यूब में तो तीनों साइड a b c ही होता है, सेम ही होता है. ठीक है ना फ्रेंड, तो पहले हम क्या करेंगे, 20% इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको क्या निकालना है, टोटल इंक्रीज निकालना है वॉल्यूम में, परसेंटेज में. तो पहले हम 20 बैठाएंगे इस फॉर्मूला पे. ठीक है, जानते हैं आपको सब सेम होता है, तभी 20 लिख दिए, प्लस 20 इंटू 20 हो गया. ठीक है, यहां 100 से डिवाइड करेंगे, 2 कट गया, कितना हो गया फ्रेंड्स, 40 प्लस 4 हो गया, मींस 44% हो गया. तो आपको लगता है ये आंसर हो गया, नहीं अभी आप गलत है, 44 अभी आंसर नहीं होगा. अब क्या करेंगे, ये 44 को फिर 20 के साथ लेंगे. क्यों ऐसा किया, क्योंकि अगर आपका टू डायमेंशनल फिगर रहता, अगर कहता है स्क्वायर कहता, रेक्टेंगल कहता, ये दोनों में से कोई भी कहता, तो आप एक ही बार में आपके आंसर आया था. लेकिन यहां क्या कह रहा है, थ्री डायमेंशनल फिगर कह रहा है, इसलिए हम लोग
को दो बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 44% हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, 44% को यहां लिखेंगे, फिर 20 लिखे, फिर प्लस 20 इंटू 44 बाय 100 कर दिए। ठीक है, 20 25 100 हो गया, 58 जा 48.8 हो गया। ठीक है, यहां हो गया 64 प्लस 8.8 मींस आपका हो गया 72.8% का आपका क्या हो गया, ये इंक्रीज होगा, वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, मींस ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया, सही हो गया आठवां का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया, 72.8। अब चलिए चलते हैं नौवें नंबर क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। नौवां नंबर क्वेश्चन है, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, अलजेब्रा से रिलेटेड है, जिसे बीजगणित के भी नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, अलजेब्रा से क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं, ये सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी सीपीओ के एग्जाम जो कि होने वाले हैं उसमें पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नौवें नंबर क्वेश्चन पे, और कोशिश कीजिए हमारे वीडियोस को पूरे अंत तक देखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। तो पूछ रहे हैं यहां देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्स के पावर 6 का क्या मान होगा, ये निकालना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तब आप क्या कीजिए, अपने मन से इसमें क्या कीजिए, x का वैल्यू कुछ रखिए, जैसे मान लीजिए हम 1 रखते हैं, आपको सोचना है कि क्या हम x का वैल्यू रखें कि इसको ऐड करने पर 2 आ जाए। अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर 1 यहां पे रखते हैं तो 1 प्लस 1 बाय 1, ठीक है, तो क्या हो गया, 2 हो गया। कोई प्रॉब्लम है, नहीं हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या करेंगे, x के पावर 6 है तो x के जगह 1 बैठा देंगे, 1 के पावर 6 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड, 1 हो गया। देखिए कितने आसान तरीका से निकल गया। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन रुपीज 24,000 एट द रेट ऑफ 35% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली फॉर 2 इयर्स। ये चक्रवृद्धि ब्याज से आपका क्वेश्चन पूछा है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से। फ्रेंड्स एक चीज जान लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 के पावर एन होता है, ठीक है। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, अमाउंट अगर निकालना है तो, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे बनेगा, ये सॉल्व होगा। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि अमाउंट इक्वल्स टू पी प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100, और आर क्या है, रेट है, और एन क्या है, टाइम है, टाइम टेकन, ठीक है, कितना टाइम के लिए कंपाउंडेड है ये, ठीक है। तो अब देखिए प्रिंसिपल आपका जो दिया हुआ है वो 24,000 आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। 1 प्लस आर कितना है, 35% आर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, और टाइम ले रहा है 2 वर्ष ले रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो गया, 24,000, इसको लिख सकते हैं 135 बटा 100 स्क्वायरिंग है, इसलिए हम दो बार लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, 0,0 काटिए, 0,0 कट गया, 0 काटिए, 0 कट गया, ठीक है। 5 × 10, 5 × 10, 5 × 35, फिर 2 से क्या होगा, 12 कट गया, 12 × 135 × 27, ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा 43,740, जब इंटू कीजिएगा 43,740। तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन था जो कि आपको प्रीवियस ईयर्स के सीपीओ एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स। तो अभी जो एग्जाम आने वाला है सीपीओ का, जो कि 12 तारीख से स्टार्ट है, 12 मार्च से स्टार्ट है, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, और हमारे वीडियो को जरूर देखिए कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके, और आप 99% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, वो भी सही सही अटेम्प्ट करके आ सके, कि आपका सीपीओ में सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए कि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें हमेशा, आप लाइक बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।